हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल डीजे में तो ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक और धमाकेदार एफएलपी प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में थोड़ा सुना, ठीक है। उसी तरीके से एफएलपी टोटल कंप्लीट भी किया गया है और आप लोग को लेना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड में है क्या कि नोवा स्टैग भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलने से पहले एक थोड़ा सा मैं आप लोग को क्लू दे दूँ, ठीक है। क्लू क्या है कि आज मेरा जो क्लू बोल सकते हो या बोल सकते हो कि मेरा जो स्टूडियो था जो मिस पे मैंने वर्क कर रहा, वो उसका जो वॉल्यूम था वो म्यूट हो चुका था, ठीक है। यानी क्लू बोले तो मतलब आपका आप लोग का भी होता है तो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बताना अच्छा समझा, ठीक है। अगर हो जाता है कभी कि हाँ आवाज़ गुम हो गया, आवाज़ आ ही नहीं रहा है, तो क्या करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कीजिएगा क्या कि आप लोग को दो तीन तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर शायद मेरे को नहीं पता होता तो शायद प्रॉब्लम आ सकता था, ये एफएलपी आज चढ़ भी नहीं पाता, ठीक है। बट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो क्या है सॉल्व किया है, पहले मैं इस सॉन्ग को सुना देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम वोकल को देखते हैं। तो वोकल तो क्लियर है, यहाँ पर आप लोग को सुन ही लिए, यहाँ पर सुन सकते हैं। अगर कहीं से भी सुने, कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कि कुछ वोकल को डैमेज किया गया है या कुछ ऐसा पार्ट हटा दिया गया कि लगे, या स्केल से अलग स्केल किया गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगर अलग स्केल हो जाता है थोड़ा सा सॉन्ग का क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है सुनने में, ठीक है। और जब हम बीट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो बीट भी बहुत सारा है। बेस लाइन है, बेस लाइन का हुड़का है, फिर बेस लाइन है, बहुत सारा का है। तो चलिए मैं बारी बारी से एक एक करके सुना देता हूँ और वो तो मैं बताऊंगा ही लास्ट में। पहले आप पहले ये देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको सिर्फ एफएलपी चाहिए, वो सब जानकारी नहीं चाहिए, चाहे नोवा स्टैग चाहिए वो जानकारी नहीं चाहिए, तो उनके लिए पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि आप लोग निकल जाओगे। जो एक्चुअली जो बंदे होंगे जिनको कि हाँ लगेगा कि हाँ ये कॉन्टेंट में मेरे साथ कभी हो सकता है भविष्य में या हुआ होगा, ठीक है, तो कैसे सुधारें वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बीट यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके का सारा बीट है, ठीक है। टोटल के टोटल बीट इसी में, क्योंकि मैं ओपन करके भी नहीं दिखा सकता, बोले क्यों, क्योंकि गाइस ओपन करने में ज़्यादा समय भी लग जाता है और आप लोग वीडियो पूरा कंटिन्यू नहीं देख पाते हो, ठीक है। और आप लोग कैसे देखते हो वीडियो ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो बोल देते हैं कि डायरेक्टली ये एफएलपी का पासवर्ड गलत है, नहीं गलत रहता नहीं है, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल आते हैं यहाँ पे और अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि अगर आप लोग नए हो, ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। और लाइक का बटन जरूर दबा सकते हो, ताकि इस एफएलपी को लेना है तो लाइक का बटन दबाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कैसा लगा सॉन्ग, कैसा क्या हुआ, इसके लिए कमेंट करना है, कमेंट खुला हुआ है। उसके बाद क्या है कि हाँ, अगर हमको चाहिए कि नोटिफिकेशन चाहिए टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कितने बंदे होते हैं ना कि चलो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आए चाहिए नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ अगर चाहिए क्या कि हाँ एक्चुअली अच्छा लगता है इनका एफएलपी प्रोजेक्ट, तो इनका हमको जो नोटिफिकेशन है वो क्विकली आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी यहां से जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करें, ठीक है, वो क्विकली आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा अगर करना है सब्सक्राइब, तो नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीजे अमित, डीजे अमित। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे बीट कोई नहीं लगाया गया है, तो यहाँ से मैं सॉन्ग को यहाँ पे खत्म एंड होने के बाद मैं ऐसे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। Thank you.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बीट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग को ऐड किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ओके ना। और फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे डायलॉग ऐड हो गया है, ठीक है। तो फिर से मैंने वैसा ही यहाँ पे फिर से बीट सेम चलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो बता सकते हैं कैसा लगा होगा सॉन्ग, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने इसको जो अनम्यूट कैसे किया, ठीक है। ये मतलब खाने का मतलब है कि वीडियो चल रहा था, ठीक है, जब इसको सॉन्ग चल रहा था सब कुछ काम हो रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था। जो हमने हेडफोन लगाया चाहे कहीं स्पीकर लगा रहा था, कहीं पे भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो मेरे को तो कुछ वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो गया। टेंशन इसलिए हुआ कि प्रोजेक्ट रेडी है, फिर आप लोग को फिर देना भी है, फिर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर सोचना पड़ा क्या कि चलो एक्चुअली देखा जाए। तो मैंने पीसी को रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद संभव नहीं हो सकता है, कभी कभी होता है क्या कि फाइल इधर उधर हो जाता है, तो रिस्टार्ट कीजिएगा तो हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हुआ, उससे भी नहीं हो पाया। सेकेंड मेथड जैसे ही अपना है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ा, मेरा प्रोजेक्ट को यानी जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको मैंने अनइंस्टॉल किया। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल किया, ठीक है। संजोग बस क्या हुआ कि वो इंस्टॉल 20.6 का ना हो गया, 20.5 का हो गया, ठीक है ना। 20.5 का हुआ, जैसे मैंने प्रोजेक्ट को ओपन करा था तो हमको वहाँ पे इंडिकेट करा था, चाहता तो मैं उसको में भी ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे देख लिया कि ये 20.5 का मतलब सॉफ्टवेयर है, तो मैंने फिर से उसको अनइंस्टॉल किया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो बात है ना कि जो हमने जिस प्रोजेक्ट में रेडी किया है फिर से कर तो लेता उसमें भी, ठीक है, जो काम था कर तो लेता उसमें भी, बट है क्या कि उसमें कुछ फाइल मिसिंग भी हो सकता था, कुछ फाइल आ भी सकता था, इसलिए उसको फिर से अनइंस्टॉल किया, ठीक है। अनइंस्टॉल करके फिर से मैंने 20.6 का इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमको लगा कि आज नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, फिर से विंडोज़ को ही फॉर्मेट करना होगा, ठीक है। बट हो गया, तो आप लोग को भी हो जाए ऐसा तो ट्राई कीजिएगा, जरूर है कि संभव है कि हो जाएगा। सिर्फ दो स्टेप करना है, या तो पहले आप देख लीजिएगा कि पीसी को रिस्टार्ट करके अगर उससे संभव नहीं हो पाता है तो सेकेंड मेथड है कि आप जो सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कीजिए, फिर से रीइंस्टॉल कीजिए, तो 100% है कि आपका जो वो वॉल्यूम वाला जो है ना वर्क, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम जो मतलब आ ही नहीं रहा है, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट एफिलिएट प्रोजेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो और नए नए सॉन्ग के एफिलिएट प्रोजेक्ट के साथ। तो जब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। DJ Amit Jahangir Purshan।